सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर इनोवेटिव को और वेल आइकन जरूर दबाइए। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट साधनों में से एक है, क्योंकि यह इन्वेस्टर्स को टैक्स फ्री रिटर्न देता है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए गए मूलधन पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ मिलता है, जबकि उस पर मिलने वाला ब्याज धारा 10 के तहत टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में समय से पहले निकासी, लोन और यहाँ तक कि प्री क्लोजर की सुविधा भी मिलती है। पीपीएफ में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए होता है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन किसी वजह से किसी फाइनेंशियल संकट के दौरान अपने पीपीएफ अकाउंट के बदले में आप लोन ले सकते हैं। हालांकि इस लोन के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लागू होती हैं। आप सिर्फ तीसरे फाइनेंशियल ईयर से लेकर छठवें फाइनेंशियल ईयर तक पीपीएफ निवेश के बदले लोन की मांग कर सकते हैं। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक लोन मिलेगा। इस तरह आप 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मिलने वाले लोन की रकम आप जिस वर्ष में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे ठीक 2 साल पहले तक आपके पीपीएफ अकाउंट में मौजूद शेष राशि की 25% तक सीमित है। हम आपको इसको एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे कि यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में पीपीएफ लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 31 मार्च 2016 तक मौजूद शेष राशि का 25% तक का ही लोन मिलेगा। अब दोस्तों, पीपीएफ की ब्याज दरें हर तिमाही में बदलती रहती हैं, इसलिए लोन पर लागू होने वाली ब्याज दरें भी उसी हिसाब से बदलती रहती हैं। पीपीएफ लोन की ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित तिमाही की ब्याज दर से 2% अधिक होती है। अच्छी खबर ये है कि लोन के लिए ब्याज दर निर्धारित हो जाने के बाद वह तब तक नहीं बदलती है जब तक कि 36 महीने की लोन अवधि तक के लोन का भुगतान नहीं हो जाता। इसलिए लोन लेने के बाद उसे 36 महीने में चुकाने की कोशिश करें, वरना लोन की ब्याज दर उस तिमाही की ब्याज दर से 6% अधिक हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए हम आपको फिर से बोलते हैं। दोस्तों, लोन लेने के बाद उसे 36 महीने में चुकाने की कोशिश करें, वरना लोन की ब्याज दर उस तिमाही की ब्याज दर से 6% अधिक हो जाती है। पीपीएफ संबंधी इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए लॉक हो जाने के बावजूद इसमें फाइनेंशियल संकट के दौरान पूर्व निकासी की सुविधा दी गई है। पीपीएफ से पैसे निकालने की अनुमति पीपीएफ अकाउंट खोलने के 7वें साल के बाद ही दी जाती है। हम आपको फिर से बताते हैं, पीपीएफ से पैसे निकालने की अनुमति पीपीएफ अकाउंट के 7वें साल के बाद ही दी जाती है। इसलिए यदि आपने 2015-16 में पीपीएफ अकाउंट खोला था, तो आप सिर्फ 7 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद ही समय पूर्व निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। हम आपको बता दें कि निकासी की यानी कि पैसा निकालने की अधिकतम सीमा निकासी वाले साल से पहले 4थे साल के अंत में मौजूद शेष राशि की 50% या पिछले साल के अंत में मौजूद शेष राशि की 50% है। ठीक है दोस्तों, 50% पैसा आपको मिलेगा। पीपीएफ से पैसा निकालने की सुविधा साल में सिर्फ एक बार ही मिलती है, और यदि पैसा निकालने के समय कोई लोन बकाया है तो लोन की रकम निकाले जाने वाली रकम में से काट ली जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि 5 फाइनेंशियल ईयर तक चलने के बाद पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद करने की सुविधा कुछ खास मामलों में या
खास परिस्थितियों में ही दी जाती है, जैसे अकाउंट धारक की किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी के लिए, इलाज के लिए, या अकाउंट धारक या नाबालिग अकाउंट धारक की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत हो। समय से पहले अकाउंट बंद करने के लिए सहायक संबंधित दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। इसमें नुकसान यह है कि समय से पहले अकाउंट बंद करने पर अकाउंट धारक होने के नाते आपको अपनी जमा राशि के लिए फिनेंशियल ईयर के लिए ब्याज दर से 1% कम ब्याज मिलता है। 3 चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। पहली चीज़ हमने आपको ये बताई है कि PPF अकाउंट के बदले में आपको लोन कितना और कैसा मिलता है। दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई है कि PPF के अगर आपको पैसा निकालना है तो वो कैसा निकलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि PPF अकाउंट का यदि आपको प्री क्लोज़र करना है तो वो कैसे होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।